कहते हैं भूत प्रेतों की दुनिया अलग होती है। अगर हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो वो हमें कभी परेशान नहीं करते। सुमित एक ट्रेवल ब्लॉगर था। उसे नई नई जगह घूमना और वीडियोस बनाने का बहुत शौक था। इस शौक की वजह से उसने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। सुमित और उसके तीन दोस्त राहुल, दीपक और पंकज ने एक बहुत पुराने खंडहर से बने किले में घूमने का प्लान बनाया। सुमित ने उस किले के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और उसके दोस्त राहुल ने बताया कि भाई वहां जो भी गया है वो सही सलामत वापस नहीं आया। सुमित इन सब बातों को मानता ही नहीं था, इसलिए उसने इन सब बातों को अनसुना करते हुए वहां जाने का मन बना लिया और उसने राहुल से कहा, भाई देख, पहली बात तो ये भूत वूत नहीं होते और दूसरी बात तू बहुत बड़ा फट्टू है तो तू रहने दे, तू नहीं चल पाएगा। इतना कहकर सुमित, दीपक और पंकज वहां उस किले के लिए निकल गए। वो किला किसी गांव के अंतिम छोर पर था तो वहां तक जाने के लिए उन्हें उस गांव से गुजरना था। सुमित और उसके दोस्त जैसे ही उस गांव में आए तो उन्होंने एक चाय के दुकान पर अपनी गाड़ी रोकी। सुमित ने चाय वाले से पूछा, दद्दा ये रतमगढ़ का किला अभी कितनी दूर है? इतना सुनते ही वो चाय वाले दद्दा मानो उन्होंने कुछ देख लिया हो, वो वहां से ये कहते हुए भागे, वहां मत जाना, वहां मत जाना, वहां मत जाना। इतना सब होने के बावजूद भी सुमित और उसके दोस्त मानने को राजी नहीं थे। पंकज ने कहा, अजीब बेवकूफ वाला गांव है यार, यहाँ कोई रास्ता नहीं बता रहा। अरे रास्ता बताने की बात दूर है, यहाँ वो दद्दा उस जगह का नाम सुनकर भाग गए जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। तब तक पंकज ने कहा, भाई तुम लोग तो रहने दो, मैं गूगल मैप ऑन कर लेता हूँ, मैं ले चलता हूँ तुम लोगों को वहाँ। इतना कहकर पंकज ने मैप पर टाइप किया, फोर्ट ऑफ रतमगढ़, तो स्क्रीन पर दिखा, नॉट रिजल्ट फाउंड। इतना सब होने में रात के 9 बज गए। सुमित ने कहा, भाई हम लोग आगे चलते हैं, किसी से पूछ लेंगे। इतना कहकर सुमित ने गाड़ी स्टार्ट की और वो आगे निकल गए। सुमित और उसके दोस्तों ने पहले वो गांव पार किया और अब उनको दूर एक खंडहर दिखाई दे रहा था। वो किला किसी राजा महाराजा का लग रहा था। चारों तरफ पेड़ों और झाड़ों से घिरा ये किला सचमुच बहुत अजीब लग रहा था। सुमित ने एक कोने में गाड़ी पार्क की और अपना कैमरा सेटअप करने लगा। यही कुछ रात के 11 बज रहे होंगे। सुमित ने पंकज से कहा, देख भाई आज ना एकदम मस्त वीडियो आनी चाहिए, आज चलकर देखें तो ऐसा कौन सा भूत है कि लोग यहाँ के नाम से ही कांप जाते हैं। इतना सुनकर दीपक ने कहा, हाँ यार और उस फट्टू राहुल को भी हम जिंदा वापस जाकर दिखाएंगे। इतना कहते के साथ ही अंदर से किसी की चीखने की आवाज आई। सुमित, पंकज और दीपक तीनों के तीनों बस उस आवाज को सुनकर एकदम शांत हो गए। इतने में सबके फोन पर एक मैसेज आया, वेलकम टू द फोर्ट ऑफ रतमगढ़। तीनों मैसेज एक ही नंबर से आया था तो उन्हें लगा ये राहुल की कोई मस्ती है, इसलिए उन्होंने इग्नोर कर दिया। फिर सुमित ने कहा, भाई यार चलें या पूरी रात बाहर ही बिताकर सुबह घर चल देना है? पंकज ने कहा, हाँ यार चलो चलते हैं। इतना कहकर तीनों किले के अंदर चले गए। किला बाहर से जितना खंडहर था अंदर से उतना ही डरावना लग रहा था। दीपक ने कैमरा और पंकज ने टॉर्च पकड़ा हुआ था। सुमित धीरे धीरे सीढ़ियों से होता हुआ अंदर चला गया। वो लोग बस थोड़ी ही दूर गए होंगे, उन्हें किसी की रोने की आवाज सुनाई थी। सुमित ने कहा, भाई यार क्यों मजाक कर रहे हो, फोन बाद में चला लेना। और ये
रोने गाने की वीडियो तो चलाओ ही मत। पंकज ने कहा, भाई यार मैंने तो कोई वीडियो नहीं प्ले किया। ये आवाज अंदर से आ रही है। पंकज के इतना कहने के साथ ही तीनों अपनी जगह बर्फ की तरह जमकर खड़े हो गए। फिर सुमित ने कहा, भाई यार मुझे डर लग रहा है, अब हमें वापस चलना चाहिए। तीनों ने उल्टे पांव भागने का प्लान बना लिया। तीनों पीछे मुड़े ही थे कि उन्होंने जो सामने देखा उस पर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। सामने वही चाय की दुकान वाले दद्दा खड़े थे जिन्होंने यहां आने के लिए मना किया था। कहते हैं उस रात के बाद दीपक और पंकज का कोई पता नहीं चला और सुमित की मानसिक स्थिति आज भी ठीक नहीं है।